सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो होती है वो होती है किचन। किचन को हम कितना भी ऑर्गेनाइज कर ले, कितना भी सजा ले, उतना ही हमें कम लगता है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सुंदर सुंदर से DIY, तो जो हमारे किचन को भी सुंदर बनाएंगे और यूजफुल भी होंगे और बहुत ही कम बजट में हमारे DIY आइटम्स रेडी होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के DIY बनाना। तो ये एक फ्रॉक था मेरी बेटी का, तो ये छोटा हो गया था तो इस टाइप से ये मैंने खोल दिया है। ये बैक वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट से मैंने एक DIY बनाया था ये। तो इसको ना जो ये इसके घूम होते हैं वो हम सबसे पहले निकाल देंगे। तो प्रिंट इसका बड़ा अच्छा लगता था मुझे फ्रॉक का, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी और चीज़ का क्यों बनाऊं जब मेरे पास ये इतना अच्छा प्रिंट का कपड़ा है। तो और ये कैन, या तो हम स्कर्ट वगैरह जैसे लहंगा वगैरह में से निकलती है कैन, या जो सिलाई करते हैं उनके पास होती हैं ये कैन वगैरह। तो इसको मैंने खोल लिया है पूरे फ्रॉक को, अस्तर था इसका वो हटा दिया है। फिर उसके बाद इस पर ना अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने से जो भी इसकी जो इसमें रिंकल्स हैं वो सब निकल जाएंगे। तो जितना भी ये लॉन्ग है उसको हम अपने जो भी हमें बनाना है, जैसे तो मुझे फ्रिज का कवर बनाना है तो उस हिसाब से मैं इसका मेज़रमेंट लेके और कट कर दूंगी जो एक्स्ट्रा है। तो जो ये कट कर रहे हैं हम वो भी हमारे काम भी आ जाएगा, थोड़ा सा जो निकला हुआ कपड़ा है, क्योंकि और हमारे पास है नहीं कपड़ा इसमें, तो जो है वो ही हमें यूज़ करना होगा। तो जो ये मैं निकाल रही हूँ वो भी मैं फ्रिल बना लूँगी उसकी। अब इसके बाद हमें जो है वो बनानी है पॉकेट दोनों साइड में, तो कितनी भी चौड़ाई की हम ले सकते हैं इसको। तो ये मैंने दो पट्टियाँ काट कर ली हैं। फिर उसके बाद मैंने एक पुराना स्कर्ट लिया है, ये यूनिफॉर्म वाला स्कर्ट है, बहुत काफ़ी थिक होता है ये कपड़ा, तो इसलिए लिया है। तो इसके अंदर हम फोम वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन फोम जो होती है ना वो धोएंगे जैसे हम इसको, तो वो फोम टूटती रहती है और वो फिर कुछ दिनों बाद बेकार ही हो जाती है। मैंने सिल लिया है इनको, तो ये पूरा एक लंबी हमारी पट्टी हमें मिल गई है। ये अब हमें पॉकेट बनानी है, तो इसके लिए कैन भी हमने कट कर लेंगे हम इसी साइज की। तो अब ये दो पीस हमें कर लेने हैं क्योंकि दोनों साइड हमें लगाने हैं पॉकेट, तो सेंटर में से भी ये हम दो पीस बना लेंगे। इस तरह से हमें ये इस रख के एक के ऊपर एक और लेस लगा लेनी है साथ में। मैंने ये ली है लेस पिंक कलर की, इस टाइप से, मतलब कोई लेस वेस लगा के बड़ा अच्छा सा हम कुछ बना सकते हैं, थोड़ा मैचिंग का सामान लेंगी तो। तो ये उससे पहले मुझे थोड़ा सा इसको टाइट बनाना है, मतलब ठीक बनाना है, तो मैंने लिया ये बुकरम और ये पेस्टिंग है जो काफ़ी थिक वाली बुकरम है ये। अब इन दोनों को हमें जॉइंट करना है, तो साथ साथ में लैस भी लगाते जाना है और दोनों को हम जॉइंट कर देंगे लैस के साथ, जो कैन है और जो हमने ये कट किया है कपड़ा पॉकेट के लिए, इन दोनों को साथ में सिल देंगे और सेंटर में लग जाएंगे साथ में लैस और एक सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो ये एक पार्ट रेडी हो गया मेरा। तो इसी तरह से एक और बना लेंगे, तो दो पीस मैंने बना लिए हैं। और साथ में मैंने ली है ये एक और लैस है ये रिबन, तो यहाँ लगा दूंगी मैं ऊपर की साइड इसको थोड़ा सा फोल्ड करके। हम इनको जो है वो इस पे लगा देंगे जो हमारा ये बड़ा वाला फैब्रिक है। तो ये लगाना किस तरह से है देखिए, ये इस तरह से लगाएंगे हम यहाँ नीचे की तरफ। मैंने पहले ना फ्रिल बना लिया जो मेरा कपड़ा बचा हुआ था, थोड़ा सा पट्टी जो मैंने निकाली थी, तो नीचे दोनों साइड में मैंने दोनों में ये फ्रिल बना ली है। अब हम इनको उसमें लगा देंगे जो कपड़ा हमारा ये लॉन्ग वाला है, और यहाँ और नीचे एक सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड की मैंने ये जो पॉकेट हैं वो लगा दी हैं और फ्रिल मैंने पहले ही भर दी थी।
उसके बाद ये जो पॉकेट बनी है ना, तो हम इसमें कितने भी पार्ट कर सकते हैं। जैसे बीच में हम दो सिलाई लगा देंगे तो हमारी तीन जो है वो पॉकेट बन जाएंगी, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग है तो हाथ भी इसमें अच्छे से जाना चाहिए, इसलिए मैंने ना बीच में मुझे एक लगानी है सिलाई, जिससे ये दो पॉकेट बन जाएंगी। और उससे पहले हमें इसके जो हमें अस्तर लगाना है वो लगा लेते हैं। एक एक साइड जो किनारे वाली साइड है वो पहले सिल लिए और पलट दिए, और फिर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे जिससे कोई झोल ना आए इसमें। चाहे तो इसमें हम प्रेस भी कर सकते हैं रखने के बाद, या पिन लगा सकते हैं, या कच्ची सिलाई लगा सकते हैं सुई धागे से। तो इस तरह से हमें ये दोनों साइड से मैंने सिल दिया है अभी। फिर उसके बाद जो है वो जो बची हुई साइडें हैं हमारी वो सिल देंगे, और ऊपर से जो है वो एक टॉप स्टिच लगा देंगे। जो दो पॉकेट बनानी है, आपको अगर तीन बनानी है तो हमें दो सिलाई लगा देनी होगी। इसमें दूसरी साइड भी इस तरफ से एक एक सिलाई लगा देंगे सेंटर में। तो सेंटर हमें पहले बना लेना है फोल्ड करके, और एक निशान लगा लेंगे, फिर उसके बाद एक सिलाई लगा देंगे, तो ये सेंटर हमारा मिल जाएगा। ओके, और देखिए कितनी अच्छी पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। इसमें हम कुछ भी रखेंगे वो मतलब ऊपर से जो है वो दिखाई देगा, जैसे कई बार दिखता नहीं है कि रिमोट कहाँ रखा है या कुछ और चीज़। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिलती नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम बनाते हैं एक और ऑर्गेनाइज़र। तो ये किचन टॉवल जो होती हैं, किचन क्लॉथ्स, तो ये बहुत सारे आते हैं जैसे एक पैकेट में, तो इनसे हम बना सकते हैं एक बहुत ही यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र, और बहुत ही इजी, मतलब जिससे कुछ भी सिलाई नहीं आती है वो भी इतनी आसानी से इसको बना सकता है। उसके लिए एक हैंगर लिया है मैंने साथ में, और एक ये किचन क्लॉथ लिया है, और उसमें हैंगर में इस तरह से हमें डाल के और यहाँ सिलाई लगा देनी है, और इसको नीचे वाले पार्ट को हमें फोल्ड करके और पॉकेट बना लेनी है। इस तरह से हमें पॉकेट जो है वो फोल्ड करके यहाँ और साइडों में दोनों में सिलाई लगाएंगे, और बीच में से भी एक सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हैंगर में हम सिलाई लगा देंगे। तो हैंगर को इस तरह से कपड़े को थोड़ा सा मोड़ के, और तब हमें सिलाई लगा देनी है। के बाद ये पॉकेट बनाएंगे तो साइड में फोल्ड करके, और तब सिलाई लगानी है दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद सेंटर में भी एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र हमारा एकदम 2 मिनट में बन के रेडी हो गया है, और ये दो पॉकेट हमें मिल गई है। इसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं, तो चाहे तो इसको मतलब अलमीरा में रख लो, रूम में रख लो, या बाथरूम में टांग लो, कहीं भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल के पास हैंग कर सकते हैं। बच्चों की जैसे ये आई कार्ड वगैरह या बेल्ट वगैरह जो है वो जल्दी जल्दी मैंने सुबह सुबह मिलती नहीं है कई बार, तो इसमें रहेंगी तो ये ध्यान रहेगा कि हाँ हमने इसमें रख रखी है, या फिर हम इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम किचन की तरफ चलते हैं, अपने ऑर्गेनाइज़र को जो है वो लगाते हैं। कहाँ लगाएंगे? तो ये देखिए फ्रिज का कवर, और साथ में ये बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र। इसमें हम अपनी किचन का सामान भी रख सकते हैं, जो किचन टॉवल हैं या जो ग्लव्स हैं, किचन ग्लव्स, कुछ भी हम सामान इसमें रख सकते हैं। फ्रिज का जो कवर है वो लगाते हैं। तो ये जो है वो ये भी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ ऑर्गेनाइज़र है, मेरा बड़ा ही पसंद आता है मुझे तो ये। और यहाँ ये मैंने लगा दिया है अपना ऑर्गेनाइज़र, या फिर फ्रिज कवर कह सकते हैं इसको, और इसमें हम सामान रख लेंगे। बहुत सारा सामान इसमें आ जाना है, और एकदम दिखाई भी देगा, कितना सुंदर लगेगा किचन से है ना। इससे हमारी जो इस तरह की चीज़ें से हम बना के अपने हाथ से जब यूज़ करते हैं तो एकदम वैल्यू बढ़ जाती है उन चीज़ों की भी, और ये भी रहता है कि हाँ हमने बनाया है ये अपने हाथ से, तो हमें बड़ी अच्छी सी खुशी सी होती है। और साथ में ये ऑर्गेनाइज़र जो है इसको भी हम यहाँ लगा सकते हैं, कोई क्लिप लगा लो जैसे, और यहाँ हैंग कर सकते हैं साथ में, तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे दोनों साथ। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम अपने हाथ से बना के कितने अच्छे अच्छे DIY और अपने किचन को सजा सकते हैं, और यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो जगह है हमारी थोड़ी बहुत, और इतना सारा इसमें सामान भी आ जाता है, तो यूज़फुल भी बहुत होते हैं ये ऑर्गेनाइज़र जो बनाते हैं हम। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट DIY बनाते हैं। उसके लिए ये बॉक्स लिया है, जो राउंड वाला बॉक्स आता है, तो इस टाइप से इस पे दो निशान लगा लेंगे हम
स्केल वगैरह से भी कर सकते हैं। लाइन बनानी है बस, खाली ड्रॉ करनी है दो लाइन, फिर इनको कट कर लेना है। तो जितनी हमारी एक उंगली होती है, जैसे चौड़ाई जितनी होती है हमारी उंगली की, उतनी बस हमें ये रखना है इसकी चौड़ाई, और कट कर लेंगे नीचे तक। फिर ये कोई भी रैपिंग पेपर या कुछ भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये एक मैंने सिल्वर कलर का जो अच्छे से स्टिक हो जाता है वो वाला मैंने पेपर लिया है, और इसकी जो एयर आ जाती है उसको थोड़ा सा हाथ से दबाते हुए अच्छे से, और इसको कवर कर लेंगे। और जहाँ से हमने ओपन किया है वहाँ से हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, इसको साइड से भी थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। फिर हमें बनाने हैं इसका एक लिड बनाना है और बेस बनाना है, जिससे ये थोड़ा हैवी रहेगा तो एकदम गिरेगा नहीं। तो थोड़ा सा हैवी कर लिया है इस लिड को मैंने, और ऊपर का जो लिड बनाएंगे उसके लिए एक राउंड सा हमने ये कट कर लिया है, और जो लेस वगैरह आती है जिसमें रिंग आते हैं जो, वो मैंने लिया है। और उसके ऊपर ये इस तरह से, इस पे भी वही वाला सिल्वर वाला पेपर मैं स्टिक कर रही हूँ। और थोड़े थोड़े कट लगा के ये बिल्कुल एकदम राउंड हमने बना लिया है बॉक्स का लिड, ये इसमें बिल्कुल फिट आ रहा है। इसके ऊपर भी हम कुछ लगा सकते हैं छोटा मोटा कुछ, और देखिए कितना सुंदर हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ हमारी बन के रेडी हुई है, और बिल्कुल बहुत कम बजट में ये रेडी हुई है, और या फिर ये कहिए कि मतलब फ्री में ही हमारी ये रेडी हुई है। तो इस तरह से इसका लिड को हटाएंगे, और कप जो होते हैं हमारे कितने जगह घेरते हैं अगर हम वैसे रखते हैं, तो कप को इस तरह से रखते हैं तो एक के ऊपर एक रख के या कुछ भी, तो बहुत ही जगह घेरते हैं। तो इस तरह से एक के ऊपर एक हम इसको रखते जाएंगे इसके अंदर, और जो हमने ये हॉल किया था बीच में तो उसमें से ये जो हैंडल होते हैं कप के वो आते रहेंगे। तो इनको निकालने में और रखने में बहुत ही मतलब आसानी से रखे जाएंगे, निकाले जाएंगे। इसका फिर लिड लगा देंगे, और अगर हम इसको पलट के लगाएंगे लिड को तो हम ऊपर भी कुछ चीज़ रख सकते हैं छोटी मोटी। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये बिल्कुल फ्री का ऑर्गेनाइज़र बन गया है। मार्केट में भी ऐसा ऑर्गेनाइज़र मिलता नहीं है, कितना भी सर्च कर लो ये नहीं मिलेगा। लेकिन तो इस तरह से हमारे जो वेस्ट सामान है वो हम यूज़ कर सकते हैं, और अपनी किचन के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइज़र और बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम बनाते हैं कुछ और आइटम। तो ये टॉवल्स जो होती हैं, हाई एंड टॉवल जो होती हैं, तो ये मतलब काफ़ी ऐसी मिल जाती हैं 50 तक की, और जब हम अगर टॉवल लेते हैं जो किचन की तो वो थोड़ी कॉस्टली मिलती हैं। तो हम इनको घर पे ही बनाएंगे। तो ये लेस ले ली है मैंने थोड़ी सी, और एक फैब्रिक ले लिया है कॉटन का, और ये देखो हैंड टॉवल है ये, और ये थोड़ी सी लंबी है, और रेड वाली जो है वो थोड़ी छोटी है। तो ये जो ब्लू वाली है उसकी दो बन जाएंगी, और रेड वाली जो है उसकी एक बना लेंगे। तो इस तरह से ये कपड़े को हमने डबल कर लिया है, और फिर एक बार और फोल्ड कर दिया, चार फोल्ड हमने कर लिए हैं इसको। और इस तरह से हाफ सर्कल हम बना लेंगे इसका, फिर इसके ऊपर बुकरम वगैरह कुछ थिक सा हम इस पर स्टिक कर देंगे प्रेस के साथ। उसके बाद हमें लगाना है इस पर एक पैच। तो पैच बनाने के लिए कोई भी कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे पैच जिसका हमें बनाना है, ये छोटा सा टैडी जैसा मैंने बना लिया है पेपर पे, और फिर जो नेक वगैरह का निकलता है ना छोटा सा पीस, तो वो मैंने लिया है जिस पर बुकरम लगी हुई थी, तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। वो मैंने बिल्कुल वैसे ही कट कर लिया है रेड कलर का एक फैब्रिक, जैसे मैंने ये कागज़ पर कट किया था पैच, वही बिल्कुल रेड कलर का एक पैच कट कर लिया है उसी के साइज का। और जो हम पिको वगैरह करते हैं जो उनसे मतलब मशीन से जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उससे, तो ये आइज़ भी बना लिए उसी से, और माउथ बना लिया, एक हैंडल लगा दिया है छोटा सा मैंने। इतना सुंदर पैच हमारा रेडी हो गया है। किसी भी टाइप का हम पैच बना सकते हैं, पहले हमें ड्रॉ करना है, फिर हम इस तरह से कट करके और ये हम पैच बना सकते, और फिर इसके बाद इस टॉवल को जो है वो इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए ना इसको थोड़ा सा हमें इस टाइप से प्लेट्स डालनी है इसमें इस तरह से, और फिर हमें ये जो हमने बनाया है तो वो लगा देना है।
उसके बाद दोनों पीस को हम जॉइंट करने के बाद हमें फ्रिल बनानी है इसमें, तो एक बेल्ट जैसी बना के, जो हमारा बचा हुआ थोड़ा सा फैब्रिक था जो हमने ऊपर लगाया था उसी की बेल्ट बना के और फ्रिल बना ली है। तो ये थोड़ा सा गैप करने के बाद मैंने ये फ्रिल लगा दी है इस पर। तो देखिए कितनी अच्छी टॉवल हमारी रेडी हो गई है। नेक्स्ट जो चावल बनाएंगे हम, उसके लिए मैंने ये चेक का फैब्रिक लिया है और थोड़ी सी लेस वगैरह ली है। तो किसी भी, मतलब कोई भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं अच्छे से, बस हमें थोड़ा सा कुछ डेकोरेट करना होता है और बहुत ही अच्छी चीज़ हमारी बन जाती है, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा हो। तो इस तरह से मैंने ये लगा दिया है और साइड में मैं बटन लगा दूँगी, लेस वेस लगा दूँगी। एक तो ये हो गई, एक ये डिज़ाइन बना दिया है मैंने, लेस लगा दी है और बेल्ट बना लिए हैं दोनों तरफ। तो ये दो तरह की हमारी हो गई हैं किचन टॉवल रेडी। तो एक जो है वो हैंगर में जो है हैंग कर सकते हैं हम, इस तरह से बटन लगा देंगे यहाँ और लेस लगा लिए थोड़ी सी इस पर, और जो दूसरी वाली है उस पर मैंने ये लेस लगा दी है। छोटी सी पॉकेट भी बनाई है इस पर, बहुत छोटी सी पॉकेट बना ली है और छोटी सी ये लेस लगा दी है। इस तरह से मतलब कुछ भी हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये जो बेल्ट है वो बांध लो कहीं भी, बाथरूम में या किचन में कहीं भी लगा सकते हैं इनको हम। तो चलिए हम किचन में लगाते हैं। तो ये जो ये वाले हैंडल होते हैं यहाँ पे हैंग कर सकते हैं हम, या फिर जो हैंग करने वाली है जिसमें हैंडल लगाया है छोटा सा, तो उसको हम यहाँ टांग सकते हैं कील वगैरह लगा के। और ये हमारी सिंक वगैरह के पास इसको हैंग कर सकते हैं हम, या बाथरूम में बेसिन के पास हैंग कर लो। और साथ में ये वाली टॉवल मैंने यहाँ हैंग कर दी है। तो इस टाइप से हम अपने हाथ से कितनी सुंदर चीज़ें बना के अपने घर को सजा सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल।